मदरलैंड वाइस चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत। आज बड़ी खुशी का विषय है कि आज हमारे बीच में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शिक्षाविद प्रोफेसर डॉक्टर रमेश चंद्र गौड़ उपस्थित हैं। श्री रमेश चंद्र गौड़ जी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, जो कि संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार से संबद्ध है, उसमें डीन है और साथ में प्रमुख एवं निदेशक हैं कला निधि विभाग से। गौर साहब आपका स्वागत। गौर साहब, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आप एक किसान परिवार से हैं, जैसा कि मुझे जानकारी में है। एक किसान परिवार से निकलकर आप शिक्षा की उस चुनौती के शिखर पर पहुंचे, जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान बनाई, तो इस बारे में हमें बताएं अपने सफर, शिक्षा के सफर के बारे में सबसे पहले। धन्यवाद गौर साहब। मैंने अपनी जो बेसिक शिक्षा है वो अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में एक गांव में एक छोटे से स्कूल में प्राप्त की। 8वीं क्लास तक मैं वहाँ पढ़ा और उसके बाद मैं दिल्ली में आया। 9th क्लास से मैंने दिल्ली में अपनी पढ़ाई शुरू की और उसके बाद मेरा कॉलेज जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से मैंने केमिस्ट्री ऑनर्स और बाद में लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में बैचलर डिग्री, कंप्यूटर साइंस में बैचलर डिग्री और उसके साथ साथ फिर मैंने मास्टर्स डिग्री प्राप्त की लाइब्रेरी साइंस में। एंड उसके जब मैंने जॉब कर लिया उसके बाद मैंने अपनी जो PhD की डिग्री है वो डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा से प्राप्त की। उसी दौरान कार्य के दौरान ही मेरा सिलेक्शन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फेलोशिप फुल ब्राइट फेलोशिप में सिलेक्ट हुआ मैं। और उस फुल ब्राइट फेलोशिप के अंतर्गत मैं अमेरिका की जो यूनिवर्सिटी है वर्जीनिया टेक पॉलिटेक्निक एंड स्टेट यूनिवर्सिटी, उसमें एक फुल ब्राइट फेलो के तौर पर गया और वहाँ मैंने हाई लेवल की क्वालिफिकेशन मल्टीमीडिया डिजिटल लाइब्रेरी में फेलोशिप प्राप्त की। और इसके साथ साथ इस दौरान मैंने बहुत सारी जो टेक्नोलॉजी के बारे में और बहुत सारी अदर जानकारी जो मेरे विषय से अंतर्गत आती हैं, उसमें कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज और कुछ दूसरी जानकारियां प्राप्त की। डॉक्टर साहब, ये राष्ट्रीय कला केंद्र जो है, इसकी गतिविधियों के बारे में भी जरा प्रकाश डालना चाहेंगे ताकि देश भर में लोगों को पता चले कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र किस कार्य को देख रहे हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र एक भारत का ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक रिसर्च और एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें जिसकी की स्थापना 1987 में एक ऑटोनोमस ट्रस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत हुई और तब से लेके अब तक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र अपनी विभिन्न गतिविधियों के द्वारा, पब्लिकेशंस के द्वारा, रिसर्च के द्वारा और बहुत सारे जो सांस्कृतिक प्रोग्राम्स हैं उनके द्वारा भारत की जो अमूल्य धरोहर है उसको संजोदित करना, उसको कलेक्ट करना, उसको कैटलॉग करना, उसका डेटाबेस बनाना, उसके बेसिस पे पब्लिकेशन निकालना, फेयर्स एंड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करना, सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस, बुक डिस्कशंस और तरह तरह की गतिविधियां का आयोजन अपने जो हेडक्वार्टर है दिल्ली के द्वारा करता है। इसके अलावा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के करीब 9 रीजनल सेंटर हैं, जो कि बैंगलोर, गुवाहाटी, वाराणसी, जम्मू, रांची, त्रिशूर, पांडिचेरी, गुवाहाटी के अलावा इस तरह के कार्यक्रम में हमारा जो रीजनल लेवल की जो हमारी संस्कृति है उसको प्रमोट करने में सहयोग करते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र 5 विभिन्न विभागों में कार्य करता है, जिसमें कि कला निधि विभाग जिसका मैं प्रमुख हूँ, वो एक रिसोर्स सेंटर है जिसमें कि भारत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकालय, कल्चरल आर्काइव, विजुअल आर्काइव, मैनुस्क्रिप्ट रिपोजिटरी, लाखों की तादाद में यहाँ पर मटेरियल हमने जगह जगह से इकट्ठा करके डिजिटाइज किया है, माइक्रोफिल्म किया है और इसकी बहुत सारी जानकारी आप वेबसाइट पर लेते हैं। उस तरीके से हमारे पास कला कोष डिवीजन है, जनपद संपदा डिवीजन है,
कला दर्शन है, जिनका कार्य विभिन्न विषयों पर, चाहे वैदिक हेरिटेज हो, चाहे लाइफस्टाइल हो, ट्राइबल इश्यूज हो, उन सब के ऊपर रिसर्च करना, उनके ऊपर सेमिनार करना, पब्लिकेशन निकालना, और साथ में फिर एग्जीबिशंस के द्वारा और पब्लिकेशंस के द्वारा उसको डिसिमिनेट करना है। इसके साथ साथ पिछले गति 4-5 सालों में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने शिक्षा के क्षेत्र में एक नई शुरुआत की है, एकेडमिक्स विंग के तौर पर। एज ए डीन आई एम रिस्पॉन्सिबल करीब 9 PG डिप्लोमा कोर्सेज, और साथ में 7 सर्टिफिकेट कोर्सेज हम लोग चला रहे हैं, जो कल्चरल इन्फॉर्मेटिक्स, डिजिटल लाइब्रेरी, डेटा मैनेजमेंट, फोकलोर, कल्चरल मैनेजमेंट, साउथ एशियन स्टडीज, बुद्धिस्ट स्टडीज, कंजर्वेशन, और अन्य विषयों पर रिसर्च मेथोडोलॉजी और फोकलोर और एथनोग्राफिक डॉक्यूमेंटेशन जैसे विषयों पर हम लोग विभिन्न तरह के कार्य कर रहे हैं। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र एक बहुत ही विस्तृत कार्य कर रहा है और बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहा है, जिस कार्य को देश विदेश हर जगह बहुत सराहा गया है। मैं डॉक्टर ये जानना चाह रहा था कि जो आपने बताया कि पीजी कोर्स यहाँ पर हैं, तो इसके अंदर किस तरह से इन विषयों पर जानकारी इनको मिल सकती है, वेबसाइट से आपकी से, नंबर 1। और उसमें किस स्तर के स्टूडेंट्स आपके यहाँ आते हैं जो इस कोर्स को प्राप्त करते हैं, और उनसे उनको आगे रोजगार उन्मुख कुछ फायदा भी है, या सिर्फ जानकारी के लिए ये कोर्स किए जा रहे हैं? ये जितने भी हमारे पीजी और सर्टिफिकेट कोर्सेज हमने चलाए हुए हैं अभी तक, वो सब बहुत ही व्यवसाय या रोजगार से डायरेक्ट लिंक्ड है। हम लोग हम कोई अभी यूनिवर्सिटी नहीं है, हम जो जो डिप्लोमा देते हैं, पीजी डिप्लोमा देते हैं, वो एक तरह से हमें प्रैक्टिकल एक्सपोजर देते हैं जो पार्टिसिपेंट्स का। और इसमें जो हमारा जो कोर्स है वो बहुत ही प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। जैसे एग्जाम्पल, लाइब्रेरी साइंस में ऑलरेडी बीलेव और एमलिट की डिग्री है, लेकिन हम पीजी डिप्लोमा इन डिजिटल लाइब्रेरी डेटा मैनेजमेंट देते हैं, तो उसमें हम सिखाते हैं कि डिजिटल लाइब्रेरी कैसे क्रिएट करनी है, डेटा को कैसे मैनेजमेंट करना है। जैसे हमारे पास कंजर्वेशन है, कंजर्वेशन में बहुत सारे कोर्सेज हैं, लेकिन हम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देते हैं, एक्सपोजर देते हैं, चाहे वो कल्चरल मैनेजमेंट की बात हो, एग्जीबिशन क्यूरेशन की बात हो, या फिर धरोहर को मैनेज करने की बात हो। तो ये जितने भी हमारे कोर्सेज हैं वो सब बहुत ही प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, और इसकी जो क्वालिफिकेशन है, एनी ग्रेजुएट कैन ज्वाइन ऑलमोस्ट। जैसे लाइब्रेरी साइंस के लिए बीलिव ज्वाइन कर सकता है, और कल्चर इन्फॉर्मेटिक्स के लिए कोई भी ग्रेजुएट ज्वाइन कर सकता है, और जाता है, और कोई एज लिमिट नहीं है। तो सारे कोर्सेज बहुत ही रोजगार के हिसाब से बनाए गए हैं। लेकिन इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको मैं शामिल करना चाहूँगा कि अभी अभी हमारा जो भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय है, हमारे प्रधानमंत्री के आह्वान पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कृत यूनिवर्सिटी, जिसका नाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज के नाम से बनाया जा रहा है, उसके लिए मुझे एक ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी अपॉइंट किया गया है, जिसके जिसके कार्यकलाप की शुरुआत हुई है। तो एक एक आगे आने वाले में शिक्षा के क्षेत्र में संस्कृत मंत्रालय की तरफ से बहुत बहुत ही सराहनीय और बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है, जिसमें कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, हम अपने जो हमारे सदस्य सचिव हैं डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी, उनके साथ मिलकर उनके मार्गदर्शन में हम लोग मदद कर रहे हैं और आगे कार्य कर रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले टाइम में संस्कृति की शिक्षा के क्षेत्र में और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ और महत्वपूर्ण कदम आपको देखने को मिलेंगे। डॉक्टर साहब, आप तो संस्कृति मंत्रालय से ही संबद्ध हैं और इतने समय से काम कर रहे हैं कि आम जनता जो है, जो कि विषय से संबद्ध नहीं पढ़ रहे, लेकिन फिर भी उनके जीवन में इस संस्कृति को जानने का बड़ा महत्व है। तो मैं ये जानना चाहता था कि अब हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है, इसका व्यवहारिक जीवन में क्या उपयोग है, क्या इसकी आवश्यकता है, इसके महत्व के विषय में प्रकाश डालते हैं। देखिए, किसी भी देश की संस्कृति और सांस्कृतिक धरोहर उस देश की सभ्यता, उस देश की जो हम उन्नति, या उस देश की जो वहाँ की जो समाज है, उसका एक आईना होती है।
और ये धरोहर सदियों से एक जो जनरेशन है दूसरी जनरेशन को सौंपती आई है, और वो कार्य रेगुलर हो रहा है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि भारत में करीब 1 करोड़ से ज़्यादा मैनुस्क्रिप्ट हैं जिनको हम पांडुलिपि कहते हैं हिंदी। तो वो पांडुलिपि हमारे उस रिच विजडम, उस रिच नॉलेज सिस्टम को रिफ्लेक्ट करती है जो जो माना जाता है कि हिंदुस्तान वैदिक टाइम से लेके और हमारा जो एंशियंट सिस्टम है, एंशियंट एजुकेशन सिस्टम है, जब हम नालंदा यूनिवर्सिटी या तक्षशिला विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण धरोहर है वो। जो नॉलेज सिस्टम है वो रिफ्लेक्ट करता है कि जितनी दुनिया में, अगर अगर आप सारी दुनिया की मैनुस्क्रिप्ट को मिला दें तब भी हिंदुस्तान की जो मैनुस्क्रिप्ट है वो कहीं ज़्यादा है। तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि हमारी जो विजडम थी, हमारी नॉलेज थी, वो कितनी महत्वपूर्ण है। और ये जो पांडुलिपि है कोई खाली हमारे कल्चर ट्रेडिशंस के बारे में नहीं है, ये पांडुलिपि हैं हमारी ओल्ड नॉलेज सिस्टम, साइंस के बारे में, मैथमेटिक्स के बारे में, एस्ट्रोनॉमी के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में, अल्टरनेटिव मेडिकल साइंस के बारे में। तो वो सारी जो हमारे जो पूर्वज थे जिन्होंने की रिसर्च की और तरह तरह की चीज़ें, तो वो जो, और ये जो हमारी जो लैंग्वेज डाइवर्सिटी है, करीब हज़ारों हमारी जो मदर टॉन्ग्स हैं, 1961 के सर्वे में हमने जो देखा 16,500 मदर टॉन्ग्स हमारी थी। तो ये जो सारे मैनुस्क्रिप्ट हैं डिफरेंट स्क्रिप्ट्स में, डिफरेंट लैंग्वेजेस में हैं, तो इनको आम जनता तक पहुंचाना, अब जैसे हम लोग, हमारा कंजर्वेशन का प्रोग्राम है, डिजिटाइजेशन का प्रोग्राम है, हम लोग उनको इकट्ठा करके जो रिसर्चर हैं उनको देते हैं, तो वो उस पर रिसर्च करते हैं और उसको एक मॉडर्न लैंग्वेज जो लोग समझते हैं हिंदी या इंग्लिश में, उसको ट्रांसलेट करके और पब्लिश करते हैं। तो हम, हमारी कोशिश है कि वो जो हमारी धरोहर है, जो हमारी नॉलेज उसमें है, उसको हम किस तरीके से लोगों तक पहुँचाएँ। इसके साथ साथ जो हमारे कल्चर हैं, हमारे ट्रेडिशंस हैं, हमारे वैदिक ट्रेडिशंस हैं, हमारे फेस्टिवल्स हैं, और हमारे जो जो हिंदुस्तान में जगह जगह जो ट्राइबल ट्रेडिशंस हैं, उनको किस तरीके से प्रिजर्व करना है, कैसे उनको प्रमोट करना है, कैसे जो आने वाली जनरेशन, जो यंग जनरेशन है, उन तक उसकी जानकारी पहुँचानी है, तो वो सारे कार्य बखूबी से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और आम जीवन के साथ हम बहुत बहुत क्लोज, पिछले कुछ सालों में हमारी जो आज की लीडरशिप है श्री राम बहादुर राय और डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी, उनकी लीडरशिप में बहुत विजिबिलिटी क्रिएट हुई है, लोगों तक हम पहुँचे हैं, फिल्में बनी हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनी हैं, बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं, और अभी इवन पैंडेमिक टाइम में हमारे हर दिन कोई ना कोई वेबिनार, कोई बुक डिस्कशन, कोई सेमिनार, कोई एग्जीबिशन। तो एक हमने आम आम जनता से अपने आप को बहुत हद तक जोड़कर हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है, जो हमारी संस्कृति है, उसको पहुंचाने की कोशिश की है। और ये आने वाली जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें बहुत अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को हाईलाइट किया गया है, और आने वाले समय में जो हमारी धरोहर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के इस प्रांगण में है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाली है। डॉक्टर साहब, आपने 14 से अधिक देशों का भ्रमण किया, तो मैं ये जानना चाहूँ, क्योंकि आपका संस्कृति से बहुत रुझान है, संस्कृति को लोगों तक पहुँचाने में। हमारे देश में और अन्य देशों में ऐसे बहुत सारे, कुछ देश ऐसे भी होंगे जिनकी संस्कृति लगभग आसपास मिलती हो, या कुछ ऐसे हैं कि हमारा देश कुछ अलग है लोगों के, दूसरे देशों की संस्कृति से, तो वो क्या है? मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा, मैंने 24 देश और कम से कम 30 से 35 मेरे विदेश यात्राएं रही हैं, और ये जितनी भी मेरी विदेश यात्रा रही हैं सारी खाली संस्कृति से रिलेटेड नहीं है, जो कि मेरा अपना पुस्तकालय विज्ञान में, लाइब्रेरी साइंस में, आर्काइवल साइंस में जो मेरा स्पेशलाइजेशन है, उससे भी जुड़ी रही हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं कई चीज़ों में मैं पहला भारतीय हूँ जिससे मुझे इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला है। जैसे कि मैं यूनेस्को की जो इंटरनेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम, आई एम द फर्स्ट इंडियन नॉमिनेटेड एज अ मेंबर ऑफ दैट कमेटी, आई रिप्रेजेंट एशिया इन दैट कमेटी। इसके साथ साथ अभी रिसेंटली लास्ट महीने ही मेरा
यूनेस्को ग्लोबल टास्क फोर्स ऑन इंडिजिनियस लैंग्वेजेस, जो कि जिसके अंतर्गत एक लैंग्वेज इंडिजिनियस लैंग्वेज डेकेड ऑफ इंडिजिनियस लैंग्वेजेस मनाया जा रहा है 2021 से 2031 तक, तो उसमें मेरा नॉमिनेशन हुआ है। इसके साथ साथ विश्व की लाइब्रेरी और आर्काइव से लेकर जितने भी महत्वपूर्ण कमिटीज़ हैं कहीं ना कहीं मेरा रिप्रेजेंटेशन रहा है, और बहुत सारी जो विश्व की सांस्कृतिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं चाइना में, साउथ कोरिया में और भी अमेरिका में, बहुत सारी जगह मुझे निमंत्रण किया गया है, मैंने जाके वहाँ टॉक्स दिए हैं, उनकी एक्सपर्ट कंसल्टेंसी दी है। तो ये जो मेरा जो विश्व का विदेश यात्राएं जितनी भी रही हैं वो सब प्रोफेशनल रही हैं, और इन सब प्रोफेशनल मैंने भारत की संस्कृति के साथ साथ भारतीय में जो इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस है या लाइब्रेरी आर्काइवल साइंस है उनको लेके बहुत सारी जानकारी शेयर की है, और वहाँ से बहुत सारी जानकारी ग्रहण की है। जो आपने सवाल किया कि जो बाकी देशों में भारत का खासकर साउथ एशियन कंट्रीज और साउथ एशियन कंट्रीज के साथ बहुत ही गहरा संबंध है, सांस्कृतिक संबंध है, और बहुत सारी कॉमन शेयर्ड हेरिटेज है। जैसे कि आप रामायण लें, रामायण करीब 331 से ज़्यादा रामायण की वर्जन है, जैसे कि आप कहेंगे कि थाई रामायण और रामायण इंडोनेशिया में जो रामायण है, या फिर बर्मा में जो रामायण है, या बहुत सारे कंट्रीज में जो रामायण और रामायण का जो आपको जानकारी मिलेगी या रामायण जो मिलेगी वो विभिन्न रूपों में मिलेगी। तो एक बहुत बड़ा कनेक्ट है रामायण को लेके, बुद्धिज्म को लेके, बुद्धिज्म इंडिया से शुरू हुआ तो चाइना, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान, थाईलैंड, ये बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ बहुत सारे कॉमन कनेक्शन है। जैसे कि मैं चाइना की डिजिटल दुनहंग जो बहुत बड़ी साइट है, जैसे हमारे यहाँ जनता एलोरा है, ऐसे ही चाइना में डिजिटल दुनहंग साइट है, वहाँ पर मुझे एक एक्सपर्ट इंटरनेशनल एक्सपर्ट मेंबर के तौर पर इनवाइट किया गया डिजिटाइजेशन करने के लिए, उनकी जो डिजिटल डिजिटल कन्वर्जन के लिए। तो वो एक बहुत बड़ा कनेक्ट है भारत और ये कंट्रीज हैं। इसके साथ साथ जैसे कि इस कंबोडिया में अंकोर वाट जो विश्व का सबसे बड़ा रिलीजियस टेंपल कॉम्प्लेक्स है, जो रिप्रेजेंट करता है हमारे जो ओल्ड एंशियंट ट्रेडिशंस को, तो बहुत सारी जैसे ईरान है, मौलाना रूमी के बारे में हम लोगों ने कैटलॉग बनाया, और मौलाना रूमी का करीब 7 से 8 देश हैं जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, उनमें टर्की, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, इन सब में एक बहुत बड़ी प्रेजेंस है जो, और ये सब ये मेरी यात्राओं के दौरान इन देशों में, जैसे कि जब मैं ईरान गया तो ईरान के गोलिस्तान पैलेस में राजा दीनदयाल की फोटोग्राफिक कलेक्शन है और हमारे पास भी फोटोग्राफिक कलेक्शन है। तो बहुत सारी जो एक्सचेंज अरेंजमेंट, बहुत सारी जो उनके साथ मिलके हमने बहुत सारे कॉमन बहुत सारा एक लर्निंग एक्सरसाइज रहा है, उनसे बहुत कुछ सीखा हमने और मैंने उनको बहुत कुछ हिंदुस्तानी सभ्यता के बारे में, हिंदुस्तानी संस्कृति के बारे में जानकारी शेयर की सेमिनार के द्वारा, मीटिंग्स के द्वारा, कॉन्फ्रेंसेस के द्वारा। तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे ये मौका मिला कि जो भारत की सांस्कृतिक धरोहर है मैं वो जगह जगह पहुंचा सकूं और लोगों को एक जानकारी दे सकूं कि हमारी कितनी बृहत विरासत है, हमारी जो संस्कृत विरासत है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और लोगों ने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया, लोगों ने इस चीज़ को लाइक किया कि जो हमारे पास धरोहर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही उम्दा दर्जे की। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक सवाल जरूर पूछना चाहूँगा कि जैसे अभी आपने कहा कि अब पोस्ट ग्रेजुएशन के जो कोर्सेज हैं उसके अंदर जबकि सब कुछ डिजिटल हो गया है, क्या ऐसे भी कोर्स हैं जो ऑनलाइन हो सकते हैं या पत्राचार के माध्यम से हो सकते हैं, या उनको खुद दिल्ली में आकर इन कोर्स को करना होगा? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। अभी जब पैंडेमिक शुरू हुआ जी, तो उससे पहले हमारे सारे कोर्सेस इन पर्सन कोर्सेस थे, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के कैंपस में ही होते थे। जी, जब पैंडेमिक हुआ तो हमारे पास एक समस्या थी कि लोगों को, हम जुलाई में हमारा सेशन स्टार्ट होता है तो हम लोगों के लिए एक समस्या थी कि हम क्या ये कोर्सेस शुरू करें, फिजिकल कोर्सेस शुरू करें। तो हमने बहुत सारे वर्चुअल वेबिनार्स, डिस्कशंस और सेमिनार सब कुछ शुरू कर दिया था। तो तभी हमने डिसाइड किया कि क्यों ना हम कुछ ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्सेज करें। तो इस श्रेणी में हमने इस साल जुलाई में 4 सर्टिफिकेट कोर्सेज लॉन्च किए,
एक सर्टिफिकेट कोर्स वाज ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी, दूसरा फोकलोर एंड इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज के ऊपर था, तीसरा कल्चर मार्केटिंग के ऊपर था, चौथा रिसर्च पब्लिकेशन एथिक्स के ऊपर था, और उसका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और उसमें देश भारत से नहीं, भारत के बाहर से लोगों ने उस कोर्स को ज्वाइन किया, तो वो शुरुआत हमें बहुत इंकरेजिंग और उत्साहवर्धक रही है, और आगे भी हम इस तरह के जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं उनको हम जारी रखेंगे, क्योंकि हमें लगा कि ये एक माध्यम है भारत के दूसरे हिस्से और भारत के बाहर से लोग जो हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं उनसे कनेक्ट होने का, और ये हम इन कोर्सेज की जो इंकरेजमेंट है, और आगे जल्दी ही हम दूसरे बैचेस शुरू करेंगे और उससे हम लोगों को कनेक्ट कर पाएंगे। हर व्यक्ति को अपने सांस्कृतिक धरोहर के विषय में जानकारी होनी चाहिए। इस विषय पर कि सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने में आम नागरिकों की क्या भूमिका हो सकती है, इस पर कुछ संदेश देना चाहें आप? बहुत जरूरी संदेश देना चाहूंगा। हम दुनिया के सबसे ज्यादा सांस्कृतिक धरोहर रखने वाले देश हैं, लेकिन अभी भी हमारे देश में जो आम लोगों की जानकारी है, जो देखिए हर कोई अपने राइट्स के बारे में बात करता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात नहीं करता। हमारी जो जो धरोहर है, जो कल्चरल हेरिटेज को हम डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज जो हमारे मॉन्यूमेंट्स और जो सारी हमारी धरोहर है, अगर इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में बात करें हमारे फोकलोर, फोक म्यूजिक और तरह तरह की हमारी जो ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम है, अगर हम डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज की बात करें मैनुस्क्रिप्ट्स और पेंटिंग्स, फोटोग्राफ्स और बहुत सारी धरोहर है। इस तरीके से अंडर वाटर हेरिटेज की बात करें, मरीन आर्कियोलॉजी की बात करें, तो बहुत सारी धरोहर है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो आम जनता है वो इसके बारे में बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है। इसको एक एलाइट क्लास और स्कॉलर्स के लिए छोड़ दिया गया है। जैसे हम लोग मॉल में जाके 500 रुपये खर्च करेंगे, लेकिन 50 रुपये का या 10 रुपये का टिकट देखे हम म्यूजियम्स में नहीं जाते हैं। हम लोग लाइब्रेरी आर्काइव्स को अभी भी हम लोगों की जो पब्लिक पार्टिसिपेशन है या पब्लिक फंडिंग है, देखिए गवर्नमेंट अपनी कोशिश करती है और कर रही है और करती रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो इंडस्ट्री है, हमारी जो कॉरपोरेट इंडस्ट्री है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो लाइब्रेरीज आर्काइव्स और म्यूजियम के प्रिजर्वेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आगे आए। जैसे कि मैं आपको बाहर अगर आप देखेंगे तो मेलन फाउंडेशन, बिल गेट फाउंडेशन और बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, हर कंट्री में ऑर्गेनाइजेशन हैं जो आगे बढ़ते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर। एक तो सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो धरोहर है अभी भी, देखिए हर 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 मीडिया की एक लाइफ होती है, चाहे वो मैनुस्क्रिप्ट हो, चाहे कोई भी मीडिया हो या फोटोग्राफ्स हो, या कुछ दिनों के बाद उसको ख़त्म हो जाना है। अगर हम उसको डिजिटली कन्वर्ट करके ऑनलाइन नहीं करेंगे तो वो एक तरह से ख़त्म हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं हमारी जो कंप्यूटर, वी आर आईटी सुपर पावर, लेकिन हमारी जो आईटी इंडस्ट्री है उसका कोई वो पार्टिसिपेशन नहीं दिखता जो दिखना चाहिए। जो हम वर्चुअल म्यूजियम क्रिएट करें, अगर आप इस पैंडेमिक में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अभी जो हमारी कुछ एफर्ट्स हैं नेशनल म्यूजियम को लेके, उसकी जानकारी मन की बात में दी थी कि हमारा जो नेशनल म्यूजियम है वो बहुत जल्दी कुछ वर्चुअल गैलरी क्रिएट करने जा रहा है, लेकिन हमारे पास हज़ारों ऐसे छोटे छोटे म्यूजियम्स हैं इस देश में, अगर हम उनका सबका वर्चुअलाइजेशन करें, ऑनलाइन कैटलॉग बनाएं और उनके वर्चुअल गैलरीज बनाएं, तो वो हिंदुस्तान ही हिंदुस्तान के बाहर लोगों तक पहुँचेगा। इसी तरीके से जो हमारे आर्काइव्स हैं, अगर हम उनको डिजिटाइज करके ऑनलाइन करें, जो हमारी मैनुस्क्रिप्ट रिपोजिटरी है उनको सबको ऑनलाइन करें, जो कि अभी नहीं है, और एक ये बहुत बड़ी ज़रूरत है कि, और इसमें हम सब कुछ गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ देते हैं, शायद वो गलत है। हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। सबसे पहले तो हमें कनेक्ट करना पड़ेगा, हमारे जो यंग जनरेशन है उनको बताना पड़ेगा कि हमारी धरोहर क्या है, हमारा जो संगीत है, जो हमारी नॉलेज सिस्टम है, जो हमारे बहुत बहुत सारी जो ट्रेडिशंस हैं उनको उनको सिखाना पड़ेगा और उनको कनेक्ट करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ जो हमारी मॉडर्न साइंस है उसको हमें अपने ट्रेडिशनल सिस्टम से जोड़ना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं वो कनेक्ट मिसिंग है, वो एक लोगों पब्लिक पार्टिसिपेशन मिसिंग है, अवेयरनेस मिसिंग है पब्लिक में, स्कूल्स के साथ जो कनेक्शन होना चाहिए कल्चर या ट्रेडिशंस का वो मिसिंग है, कहीं ना कहीं उसकी बहुत ज़रूरत है, और पब्लिक सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है।
कॉर्पोरेट सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, इंडस्ट्री लिंकेजेस की बहुत ज़रूरत है। अगर हमें अपनी धरोहर को सही मायनों में प्रिजर्व करना है तो खाली सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर हम लोग सब कुछ नहीं छोड़ सकते, हमें अपने भी जिम्मेदारी को निभाना पड़ेगा। हम जब जाते हैं मॉन्यूमेंट्स को, हम उनको डिफेस करते हैं, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है, कैसे प्रिजर्व करना है। ये हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारा जो संविधान है, उसमें भी ये हमारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें उन 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 राइट्स को भी हम लोग अपने फंडामेंटल राइट्स को समझें और अपनी धरोहर को प्रिजर्व करने में सभी सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद गौर साहब, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज जिन दर्शकों ने इस कार्यक्रम को देखा है वो जरूर अपने साथियों को शेयर करेंगे, और देश के लिए भी बड़े गौरव की बात है कि जिस देश के अंदर इतनी सारी सांस्कृतिक विरासत हमारे पास है उसे जानना ही हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। और मेरे ख्याल से अगर इन सब के बारे में अधिक से अधिक अगर हम शेयर करेंगे तो हमारा पर्यटन विभाग भी जो है उसमें और सक्रिय होकर विदेश के लोग आकर हमारी संस्कृति के प्रति और उत्सुकता बढ़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर आपका हृदय से धन्यवाद गौर साहब। जैसे आपने कहा कि इनकी जानकारी के बारे में, तो मैं आपको कुछ वेबसाइट बताता हूँ। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की वेबसाइट www.agency.nic.in पर आपको बहुत सारी जानकारी हमारे कार्य के बारे में, हमारी धरोहर के बारे में मिलेगी। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशन हैं उनको तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, इंटेंजिबल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन और टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑर्गेनाइजेशन। तो उनके सबके लिंक्स और जानकारी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंडियन कल्चर के नाम से एक वेबसाइट है। उसके साथ साथ आप जितने भी कल्चरल इंस्टीट्यूशन हैं उनकी वेबसाइट पर जाएंगे, बहुत सारी जानकारी मिलेगी, म्यूजियम्स के बारे में जानकारी मिलेगी। उसके साथ साथ ऐसी बहुत सारी इनिशिएटिव्स हैं, एफर्ट्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जो आपको आप कल्चर से कनेक्ट होने में बहुत सारी मदद देंगे। फेलोशिप्स हैं, बहुत सारी स्कीम्स हैं जहाँ पर आप, जैसे टैगोर फेलोशिप है, टैगोर स्कॉलरशिप है, जो आप अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और भी बहुत सारी ग्रांट स्कीम्स हैं, बहुत सारी सिस्टम है जहाँ पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। और लास्ट जो मैं आपके दर्शकों को सबसे पहले बताना चाहूँगा कि सबसे पहले घर से शुरुआत करें। हम म्यूजियम्स, लाइब्रेरीज एंड आर्काइव्स के बारे में अपने जो हमारी जनरेशन है उसको जानकारी दें और उनको कनेक्ट करें। आप डेफिनेटली आप मॉडर्न लाइफ को अडॉप्ट करिए, लेकिन साथ साथ में अपनी संस्कृति को भी अडॉप्ट कीजिए, अपनी संस्कृति को समझिए, अपनी परंपराओं को समझिए, क्योंकि भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे अच्छी दुनिया भर में उसको अप्रिशिएट किया गया है, और आप भी इसको करिए। नमस्कार।